चलिए तो मैं आप लोग को बता दूं कि कल अर्थात पिछले क्लास में हमने 10th ज्योग्राफी के इकाई 3 का पॉइंट पढ़ा रहे थे और हमने लास्ट पॉइंट सीमेंट उद्योग पढ़ाए थे और आज हम उससे आगे पढ़ाएंगे और आज होगा तैयार माल आधारित उद्योग। जी उसको पहले नोट कर लीजिए फिर बताएंगे तैयार माल आधारित उद्योग होता क्या है, पहले इसको लेकिन नोट कर लीजिए। सर डेट नहीं दी है कि तैयार माल आधारित उद्योग, मेरे भाई वैसा उद्योग जिस उद्योग में दूसरे जगह से भिन्न भिन्न तरह के वस्तु तैयार होकर आते हैं और वहां पर सेट होकर एक अलग वस्तु बन जाते हैं या बनाए जाते हैं उसको तैयार माल आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे मैं मोटरसाइकिल उद्योग की बात करता हूं तो मोटरसाइकिल उद्योग में टायर कहीं से अलग से बन के आ रहा है, उसका नोजल एलिमेंट अलग से बन के आ रहा है, उसका सीट कवर अलग से बन के आता है और फिर वहां पर सब सेट होता है, तो उस उद्योग को कहेंगे तैयार माल आधारित उद्योग। अर्थात वैसा उद्योग जिस उद्योग में विभिन्न उद्योग से किसी वस्तु का पार्ट तैयार होकर आते हैं और वहां पर एक खास वस्तु तैयार किया जाता है उस उद्योग को तैयार माल आधारित उद्योग कहा जाता है। शायद आप तैयार माल आधारित उद्योग क्या है शायद वो समझ गए होंगे और अब हम आपको और अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा उद्योग जिसमें किसी वस्तु को तैयार करने वाला अधिकांश पार्ट किसी दूसरे उद्योग से बनकर आता है उस उद्योग को तैयार माल आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे रेलवे उद्योग, मोटरगाड़ी उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग आदि। तो आपने तैयार माल आधारित उद्योग क्या होता है उसको आपने समझ गए और शायद लिख भी लिए हैं। अगर मेरे भाई तैयार माल आधारित उद्योग में आपको कहीं भी कोई दिक्कत बुझा रहा है या डाउट मन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर पोत निर्माण उद्योग सर जी ये क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पोत का तात्पर्य होता है जलयान से और जलयान का मतलब होता है जल में चलने वाला जहाज, अर्थात जिसको हम लोग नाव कहते हैं वो जल में चलने वाला जो नाव होते हैं उसी को पोत कहते हैं और वो जो नाव जो अर्थात जहाज जो बनाया जाता है तो उसको पोत निर्माण कहते हैं। क्या संजना समझ गई? यस सर। राइट। और कोई भाई किसी को कोई डाउट? चलिए अच्छी बात है तो आप लोग को अब कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बता दूं ये तैयार माल आधारित उद्योग सिर्फ समझ गए, अब इसके अंतर्गत जैसे जो हम लिखा है रेलवे उद्योग, मोटरगाड़ी उद्योग, अर्थात अब ये सबको डिटेल में पढ़ना है कि रेलवे उद्योग के अंतर्गत कहाँ कौन पहिया बनता है गाड़ी का, कहाँ डब्बा बनता है, कहाँ इंजिन बनता है, थोड़ा सा ये सब हल्का फल्का भी झलक पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थात इसमें जैसे में सबसे पहले हम क्या लिखे हैं रेलवे उद्योग, तो रेलवे उद्योग को बीच में लिखिए और फिर उसके संबंध में कुछ बोलेंगे और कुछ लिखाएंगे थोड़ा बहुत भी लिख लीजिए बीच में रेलवे उद्योग। मेरे भाई रेलवे उद्योग के अंतर्गत रेल से संबंधित वस्तु के निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं, अर्थात इस उद्योग के अंतर्गत रेल डिब्बा निर्माण करने वाला उद्योग, रेल इंजन निर्माण करने वाला उद्योग, पटरी बनाने वाला उद्योग, गाड़ी के चक्का बनाने वाला उद्योग आदि आते हैं। और हम आपको इसमें बताएंगे कि रेल का चक्का कहाँ बनता है, डिब्बा कहाँ, जानते होंगे सर चक्का कहाँ बनता है इधर आसपास में,
सुने होंगे सभी, जमालपुर, जमालपुर इस इधर भी बनता है छपरा में, सुने होंगे लालू जी जब रेल मंत्री बने थे ना, छपरा में जो है गाड़ी के चक्का निर्माण वाला फैक्ट्री खोला था। और एक और फैक्ट्री है नया लालू जी का दिया हुआ इस इलाका में, किसी चीज का फैक्ट्री है रेल, मधेपुरा में सर। अरे मधेपुरा, थैंक यू सो मच, मधेपुरा में रेल इंजन की फैक्ट्री है। और मैं आपको जानकारी दूं मेरे भाई, इस इलाका के गौरव हैं, और वहां पर इलेक्ट्रिक वाला इंजन तैयार होती है, और एक ही दुगी इंजन नहीं, भारत की सबसे ताकतवर इंजन इससे पहले निकली है वहां से, सबसे ताकतवर अभी तक जितनी भी इंजन बनी है इलेक्ट्रिक वाला, सबसे ताकतवर इंजन वहां से बनी है। कहां से? मधेपुरा से। आप समझ सकते हैं कि लालू जी ने भी कुछ इस क्षेत्र में करके गए हैं, अपना छाप छोड़ के गए। तो शायद आप रेल से संबंधित जो उद्योग होता है उसके विषय में हल्का फल्का आपने जानकारी ली है, और हम इसको डिटेल इसके बाद आपसे फिर डिस्कस करने के क्रम में करेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर दीजिए, भारत में रेलवे का जाल बिछा हुआ है, अतः यहां रेलवे उद्योग की स्थिति अच्छी है। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में चितरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। पुनविला वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन बनाने का कारखाना है। पुनविला सवारी गाड़ी के डिब्बे पेराम्बूर कोमा बंगलोर कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। पुनविला मालगाड़ी के डब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखाना में तैयार किए जाते हैं। पुनविला सारण जिला के छपरा में रेल के पहिया बनाए जाते हैं। पुनविला मुंगेर जिला के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। आप लोग कभी रेल का यात्रा कीजिएगा ना तो देखिएगा, जो ये जो सुपौल में ही रेलगाड़ी आ रही है, कल से ही शुरू हुई है, तो आप देखिएगा उसके इंजन पर लिखा होगा यहाँ पर वाराणसी, तो समझ जाइए कि वाराणसी में तैयार हुआ, मधेपुरा में तो तैयार होगा मधेपुरा लिखल रहेगा। इलेक्ट्रिक वाला जो होगा तो इलेक्ट्रिक वाला अभी वहां पर बन रहा था चितरंजन लोकोमोटिव, उसका नाम लिखल रहेगा। तो शायद मेरे भाई रेलवे उद्योग को आपने समझ गए होंगे, अगर फिर भी इसमें किसी भी तरह का आपका दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, मधेपुरा का क्या नाम दे दीजिएगा कि मधेपुरा में रेल इंजन हैवी रेल विद्युत उत्पादन करने का फैक्ट्री है, आप अपने से भी दे सकते हैं। चलिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे भाई मैं आज आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया आपका, पता आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।